हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया। प्रिया एंड अजय किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे ब्रेड रोल की रेसिपी। इस रेसिपी के लिए श्री आदित्य जी ने हमें कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट किया था, इसलिए आज हम बनाएंगे ब्रेड रोल बहुत ही कुरकुरा। ये बच्चों को बहुत ही पसंद होता है। आप शाम को नाश्ते में बनाइए, मेहमानों को खिलाइए, बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आपको भी किसी रेसिपी की ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। तो आइए देखते हैं कि हम बहुत ही टेस्टी अपना ब्रेड रोल कैसे बनाते हैं। इस ब्रेड रोल की सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत फटाफट बन जाती है और बहुत कम चीज़ों से बनती है। आप इसे चाय के साथ नाश्ते पे बना के खा सकते हैं या फिर आप इसे चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म। ये बहुत ही कुरकुरा होता है। दोस्तों, ब्रेड रोल बनाने में कुछ समस्याएँ भी आती है, ब्रेड टूटने लगता है। आज हम आपके साथ वो भी डिस्कस करेंगे कि उसे ठीक कैसे करेंगे और आसानी से इसे कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए आलू। ये मैंने थोड़े से उबले हुए आलू लिए हैं, इसको मैंने छील लिया है। अभी हमें इसे मैश करना है, तो सबसे पहले हम इसे मैश कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने मैश कर लिया है आलू को। अभी हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जो आपके घर में आसानी से मिल सकते हैं। ये मैंने एक प्याज लिया है बड़ा, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है मैंने। अगर आपके पास छोटा प्याज हो तो आप दो ले लें। सारे प्याज को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा हरी मिर्च यूज कर रही हूँ। ये मैंने क्रश कर लिया था ग्राइंडर में, बिना पानी का मैंने इसे ग्राइंड किया था। आप जितना चाहे उतना मिर्च डाल सकते हैं, आपको अगर कम तीखा पसंद हो तो कम डालें। ये आधा चम्मच आमचूर पाउडर है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर है और ये आधा चम्मच मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। थोड़ा सा इससे कलर अच्छा आता है। और ये आधा चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ चाट मसाला, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। चाट मसाले से बहुत ही टेस्टी बनता है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, यहाँ पे आप काला नमक भी ऐड कर सकते हैं, मैंने सादा नमक ऐड किया है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे नींबू डाल रही हूँ। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा करिएगा, लेकिन अगर आप आमचूर पाउडर डाल रहे हैं तो आप थोड़ा सा नींबू का इस्तेमाल कम करिएगा। मैं यहाँ पर आधा नींबू ले रही हूँ, आधा से भी थोड़ा सा कम लिया है मैंने। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप एक नींबू का इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे मसालों को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप यहाँ पर धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी धनिया पत्ता अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला है, लेकिन अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालें। धनिया पत्ता से भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सारे मसालों को मैंने अच्छे से आलू के साथ मिक्स कर लिया है। अभी चलिए हम ब्रेड रोल बनाना शुरू करते हैं। अभी हमारी स्टफिंग तैयार है। हमने थोड़े से ब्रेड लिए हैं, लेकिन ब्रेड के साइड्स को हमें निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम ब्रेड के साइड्स को निकाल लेते हैं। ऐसे निकालना है, बिल्कुल चाकू लेना है और चाकू से इसको चारों तरफ से कट कर देना है। इसका जो ब्राउन एरिया है हमें उसे निकाल लेंगे। इसे हाथ से तोड़ के नहीं निकालें क्योंकि ये ब्रेड टूट जाता है। चाकू से निकालने से बहुत आसानी से निकल जाता है। ब्राउन एरिया निकालना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि जब हम रोल करते हैं तो ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए हम ब्राउन एरिया को निकाल देंगे। लेकिन हमें इसे फेंकना नहीं है, इसका हम क्रंच बना के इस्तेमाल कर सकते हैं पकौड़ियों में। ये देखिए, ये सारे ब्रेड को मैंने कट करके निकाल लिया है। ये जो ब्राउन एरिया है इसको हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे और इसका क्रंच बना लेंगे। अब हम बनाते हैं ब्रेड रोल। तो सबसे पहले हमें एक कटोरी में पानी लेना है और इसके एक तरफ से पानी लगाना है, दोनों तरफ नहीं। आपने देखा मैंने एक तरफ ब्रेड को डुबोया था पानी में। उसके बाद इसके पानी को हाथ से अच्छे से निकाल लेना है ताकि ब्रेड में थोड़ा भी पानी ना रहे। ब्रेड हमारा पूरा गीला हो गया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा स्टफिंग भरेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, बहुत थोड़ा ही भरना है। जो ब्रेड है उसको दोनों तरफ से पानी में नहीं डुबोएंगे दोस्तों, इस बात का हमें ध्यान देना है, एक तरफ से ही डुबोना है। उसके बाद इसे हाथ से रोल करना है, सारे ब्रेड को आलू के चारों तरफ रोल करना है। हाथ से दबा दबा कर हमें इसे अंडे का आकार देना है। अच्छे तरीके से रोल हो जाएगा। जो ब्रेड है वो आलू की तरफ अच्छे से रोल हो जाना चाहिए। ये देखिए कितने अच्छे से रोल हो गया है ये। इसी तरीके से हमें इसे बनाना है। इसमें पानी की मात्रा थोड़ी भी नहीं रहनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि ब्रेड रोल बनाने में समस्या क्या आती है। कि जैसे हम कभी ब्रेड को पानी में डालते हैं और जैसे ही हम उसका पानी निकालते हैं, जो हमारा ब्रेड है वो चारों तरफ से टूटने लगता है। ये देखिए, ऐसे टूट गया या फिर
तो घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसके पानी को अच्छे से निकाल देना है ताकि इसमें थोड़ा भी पानी ना रहे, हाथों से प्रेस करके। उसके बाद हम इसमें स्टफिंग भरेंगे, थोड़ा ही भरेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है। और जो ये टूटा हुआ ब्रेड है उसको भी हम इसमें पूरा समेट देंगे, क्योंकि जैसे हम इसे समेटेंगे ये अच्छा सा रोल बन जाएगा। और इसको हल्के हाथों से दबाना है दोस्तों, इसको बहुत ज़ोर से नहीं दबाएंगे, नहीं तो जो हमारा स्टफिंग है वो बाहर आने लगता है। इसको हल्के हल्के हाथों से बना के हमें अंडे का आकार देना है। तो जो टूटा हुआ ब्रेड होता है वो इसी में समेट जाता है और ये हमारा रोल बन जाता है। ये देखिए, टूटे हुए ब्रेड का भी मैंने ये रोल बनाया है, ये कितना अच्छा रोल बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं किधर से भी टूटा नहीं है। बस इसमें पानी की मात्रा थोड़ी भी नहीं रहनी चाहिए, हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके सारे पानी को हमें बाहर कर देना है। तो अभी हमारा तैयार हो गया है ब्रेड रोल। इसी तरह करके मैंने यहाँ पे बहुत सारे ब्रेड रोल बना लिए हैं, अभी हमें इसे फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमें तेल लेना है, कढ़ाई में मैंने तेल डाला है। तेल को खूब अच्छे से गर्म करेंगे हाई फ्लेम पे, इसे हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, मीडियम फ्लेम पे नहीं फ्राई करेंगे, क्योंकि हमें इसे पकाना नहीं है, सिर्फ इसे रेड फ्राई करना है, कुरकुरा बनाना है। तो सारे ब्रेड रोल को मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हाई फ्लेम पे। अब इसे एक तरफ लाल होने देंगे, जैसे ही दूसरी तरफ लाल हो जाएगा हम इसे पलट देंगे, लेकिन अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसे टच नहीं करना है क्योंकि ये टूटने लगता है, इसलिए इसे ज़्यादा नहीं चलाएँगे। जब एक तरफ लाल हो जाए तो हम इसे पलट देंगे। ये देखिए, 2 से 3 मिनट के बाद ही एक तरफ लाल हो गया था और मैं इसे पलट रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर सुनहरा लाल हो गया है। तो आपने देखा मैंने कितने आसान तरीके से ब्रेड रोल बनाया, और जो समस्या आती है उसको भी मैंने बताया कि उसे कैसे ठीक करें। तो जब भी आपका ब्रेड टूटे तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। ये हमारा ब्रेड रोल अच्छे से चारों तरफ से लाल हो गया है, इसे इसी तरह तलना है। 4 से 5 मिनट में अच्छे से लाल हो गया है, बहुत टाइम नहीं लगा इसे फ्राई करने में। आप देख सकते हैं ये कितना गोल्डन ब्राउन, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो तैयार है हमारा ब्रेड रोल, आज आप नाश्ते में इसे ज़रूर बनाइए। ये देखिए कितना कुरकुरा है, ये बहुत ही टेस्टी होता है। मैं यहाँ पे इसे इमली के सॉस के साथ खा रही हूँ, इसे भी मैंने घर पे ही बनाया है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से देख के इसे बना सकते हैं। घर की बनाई हुई चटनी बहुत ही टेस्टी होती है, मार्केट से ज़्यादा टेस्टी होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये ब्रेड रोल की रेसिपी, आप आज अपने घर पे ज़रूर बनाइए, मेहमान आए तो उसे बना के ज़रूर खिलाइए। ये बच्चों को बहुत पसंद होता है, ये बहुत तीखा नहीं होता है और ये बहुत ज़्यादा कुरकुरा होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को भी बताइए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप भी कोई वीडियो की रेसिपी चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए, हम उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।